हेलो गाइस, वेलकम टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म टॉप 10 क्लासेस। मेरा नाम है सचिन, मैं आप लोगों को क्लास 12th का बायोलॉजी का सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ। गाइस, हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 12 के बायोलॉजी का चैप्टर 1, जिसका नाम है जीवों में जनन। हम लोग इसमें लैंगिक जनन व अलैंगिक जनन के बारे में जान लिए थे तथा उसके विभिन्न चरण क्या होते हैं उसके बारे में भी जान लिए थे। तो गाइज, आज की कक्षा में हम लोग बात करने वाले हैं एक लिंगी जीव व द्विलिंगी जीव के बारे में। फिर इसके पश्चात हम लोग अपने जो किताब का एक्सरसाइज है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो गाइज, हम लोगों का जो पहला टॉपिक है वह है एक लिंगी जीव। एक लिंगी जीव क्या होता है गाइज? वह जीव जिसमें या तो नर जनन तंत्र या तो मादा जनन तंत्र, दोनों में से केवल एक ही तंत्र उपस्थित रहता है तो उसे एक लिंगी जीव कहते हैं। गाइज, वे जीव जिसमें नर जनन तंत्र या मादा जनन तंत्र में से केवल एक ही तंत्र उपस्थित होता है तो उसे हम लोग एक लिंगी जीव कहते हैं। गाइज, आइए लिखते हैं, वे जीव जिसमें नर जनन तंत्र या मादा जनन तंत्र दोनों जनन तंत्रों में से केवल एक ही तंत्र उपस्थित होता है तो उसे एक लिंगी जीव कहते हैं। गाइज, यह हो गया एक लिंगी जीव। वे जीव जिसमें नर जनन तंत्र या मादा जनन तंत्र में से केवल एक ही जनन तंत्र उपस्थित होता है तो उसे हम लोग एक लिंगी जीव कहते हैं। गाइज, इसका एग्जांपल हो गया जैसे मानव। अब मानव प्रजाति है, इसके दो जात, एक नर एक मादा, नर मादा। अब जो नर में रहेगा इसमें मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पाया जाएगा, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और इसमें फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पाया जाएगा, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो गाइस, जैसे मानव हो गया, मानव प्रजाति है, इसके दो जात, एक नर एक मादा, नर में नर जनन तंत्र, मादा में मादा जनन तंत्र। और दूसरा एग्जांपल हो गया पशु में हो जाएगा गाय बैल, इसमें मादा जनन तंत्र, इसमें नर जनन तंत्र पाया जाएगा। तो गाइस, यह हो गया हम लोगों का एक लिंगी जीव। अब हम लोग पढ़ेंगे द्विलिंगी जीव। तो गाइस, द्विलिंगी जीव क्या होते हैं? द्विलिंगी जीव वे जीव होते हैं जिसमें नर भाग व मादा भाग, जिसमें नर जननांग व मादा जननांग दोनों एक ही जीव में उपस्थित होते हैं तो उसे हम लोग द्विलिंगी जीव कहते हैं। क्योंकि गाइज, दो लिंग, इसका नाम है दी से इसमें दोनों लिंग आ जाएगा, दी और लिंगी से लिंग, और इसमें केवल एक है तो मतलब केवल एक ही लिंग आएगा, और दो से यहाँ पर, दी से यहाँ पर दो हो गया और लिंगी से दो लिंग वाले जीव। तो गाइस, आइए लिखते हैं, वे जीव जिसमें
नर व मादा जननांग दोनों उपस्थित होते हैं, दोनों उपस्थित होते हैं दोनों उपस्थित होते हैं तो उसे द्विलिंगी जीव कहते हैं, उसे द्विलिंगी जीव कहते हैं कहते हैं। गाइस इसका एग्जांपल हो जाएगा केचुआ, और पुष्पी पादप नेरिस जोक आदि। तो गाइज यह हो गया एकलिंगी जीव, वे जीव जिसमें नर जनन तंत्र और मादा जनन तंत्र दोनों में से केवल एक ही तंत्र उपस्थित होता है, और द्विलिंगी जीव जिसमें से दोनों जननांग उपस्थित होते हैं उसे हम लोग द्विलिंगी जीव कहते हैं। गाइज इसका एग्जांपल हो गया केचुआ, पुष्पी पादप, नेरिस, जोक आदि, और इसका हो गया मानव, नर, मादा, इसमें ये सब हो गए। तो गाइज यह हो गया हम लोगों का आज जो कक्षा 12 का बायोलॉजी का अध्याय है चैप्टर 1 जीवों में जनन, यह पूर्ण रूप से समाप्त हो गया है। आइए हम लोग थोड़ा सा इसके रिपीट के बारे में जानते हैं। हम लोग जो लैंगिक जनन पढ़े, अलैंगिक जनन पढ़े, इन सबको थोड़ा रिपीट कर लेते हैं। तो गाइज हम लोग देखते हैं जो लैंगिक जनन है इसमें इसके चार चरण हम लोग पढ़े थे, जो हम लोगों का लैंगिक जनन था इसमें चार चरण थे। पहले अलैंगिक के बारे में जानते हैं, अलैंगिक जनन, अलैंगिक जनन के इसमें चार चरण थे। आइए हम लोग थोड़ा सा इसे रिपीट कर लेते हैं। पहला था विखंडन, और दूसरा था मुकुलन, तीसरा था बीजाणु जनन, और चौथा था कायिक प्रजनन। गाइज जो विखंडन था यह दो प्रकार का था, एक था द्विविखंडन और एक था बहुविखंडन, और मुकुलन का कोई टाइप नहीं था। द्विविखंडन का एग्जाम्पल था अमीबा, इसका एग्जाम्पल था प्लाज्मोडियम। फिर गाइस जो मुकुलन विधि था इसका एग्जाम्पल था हाइड्रा। फिर इसके पश्चात बीजाणु द्वारा जनन, यह भी दो प्रकार का है, एक होता है चल बीजाणु और दूसरा था अचल बीजाणु। इसका एग्जाम्पल था क्लोमाइडोमोनास और इसका एग्जाम्पल था यूलोथ्रिक्स। और गाइस जो कायिक प्रजनन होता है यह तीन प्रकार का होता है, एक होता है जड़ों के द्वारा, और एक होता है तनों के द्वारा, और एक होता है पत्तियों के द्वारा। जड़ों के द्वारा में यह दो प्रकार का था, एक था मूसलाजड़ का एग्जाम्पल था चमेली, सतावर, डहेलिया। इसका एग्जाम्पल चमेली, सतावर और डहेलिया।
और गाइस जो अपस्थानिक जड़ था, अपस्थानिक, इसका एग्जांपल था आंवला, अमरूद, शीशम। आंवला, अमरूद और शीशम। फिर इसके पश्चात गाय जो तनों के द्वारा था, यह भी दो प्रकार का था। एक था वायवीय तना, वायवीय तना, और दूसरा था भूमिगत तना, भूमिगत तना, दूसरा था भूमिगत तना। वायवीय तना का एग्जाम्पल था गुलाब, गुड़हल, ये सब। और इसका था हल्दी, कंद, गन्ना। और गाइज पत्तियों का कोई टाइप नहीं था, पत्तियों का एग्जांपल था ब्रायोफिलम, ब्रायोफिलम। तो गाइज ये सब चरण हैं अलैंगिक जनन के, हम लोग इन सब के बारे में जान लिए थे। आज हमने इसे थोड़ा सा रिपीट कर लिया है। अलैंगिक जनन चार चरण में होता है। इसमें होता है विखंडन। विखंडन दो प्रकार से होता है, एक होता है द्विविखंडन, एक होता है बहुविखंडन। द्विविखंडन जो होता है वह अमीबा में होता है, बहुविखंडन जो होता है वह प्लाज्मोडियम में होता है। फिर इसके पश्चात हम लोग पढ़े मुकुलन। मुकुलन का कोई टाइप नहीं होता, मुकुलन विधि द्वारा जो निषेचन होता है, नए जीव का निर्माण होता है, वह हाइड्रा में होता है। फिर इसके पश्चात हम लोग पढ़े चल बीजाणु, बीजाणु द्वारा जनन। बीजाणु द्वारा जनन दो प्रकार का होता है, एक होता है चल बीजाणु जनन, एक होता है अचल बीजाणु जनन। चल बीजाणु जनन का एग्जाम्पल क्लोमाइडोमोनास और अचल बीजाणु का यूलोथ्रिक्स। फिर इसके पश्चात हम लोग कायिक प्रजनन के बारे में पढ़े। कायिक प्रजनन में तीन प्रकार के होते हैं, जड़ द्वारा, तना द्वारा, पत्ती द्वारा। जो जड़ होता है वह दो प्रकार का होता है, एक होता है मूसला जड़, एक होता है अपस्थानिक जड़। मूसला जड़ का एग्जांपल हो जाएगा चमेली, सतावट, डहेलिया। और जो अपस्थानिक जड़ है इसका एग्जांपल हो जाएगा आंवला, अमरूद, शीशम। फिर इसके पश्चात हम लोग पढ़े तनों के बारे में। तना दो प्रकार का होता है, एक होता है वायवीय तना, एक होता है भूमिगत तना। वायवीय तना का एग्जाम्पल हो गया गुलाब, गुड़हल, और भूमिगत तना का एग्जाम्पल हो गया कंद, प्रकंद, हल्दी, गन्ना इत्यादि। फिर इसके पश्चात हम लोग पत्ती पढ़े। पत्तियों का कोई भाग नहीं है, पत्ती का, पत्तियों द्वारा जो कायिक प्रजनन होता है वह ब्रायोफिलम में होता है। तो हम लोग इन सब के बारे में पढ़ लिए। अब गाइज हम लोग जान जाते हैं थोड़ा लैंगिक जनन के बारे में। इस लैंगिक जनन में जो होते हैं नर भाग और मादा जननांग दोनों अलग अलग होते हैं, तो इसलिए इसके छह स्टेज होते हैं लैंगिक जनन के। लैंगिक जनन, लैंगिक जनन गाइज इसके छह स्टेज हुए। पहला तो इसमें हो जाएगा जनक, दूसरा हो जाएगा जननांग, जननांग, तीसरा हो जाएगा निषेचन, तीसरा हो जाएगा निषेचन, चौथा हो जाएगा युग्मनज, युग्मनज। इसके पश्चात समसूत्री अर्धविभाजन, समसूत्री अर्धविभाजन, समसूत्री अर्धविभाजन। फिर इसके पश्चात था भ्रूणी परिवर्धन, भ्रूणी परिवर्धन। गाइज ये जितने टॉपिक हैं छह टॉपिक हम लोग इसके बारे में पढ़ लिए थे। तो आज हम लोग एक लिंगी जीव, द्विलिंगी जीव और जो अलैंगिक जनन का प्रकार टाइप थे उन सब के बारे में पढ़ लिए। फिर इसके पश्चात लैंगिक जनन के बारे में भी पढ़ लिए। गाइज जो हमारा अगला लेक्चर होगा वह होगा चैप्टर वन का जो क्वेश्चन एक्सरसाइज है, चैप्टर वन का जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज है, हम लोग उसे अध्ययन करेंगे। एक्सरसाइज चैप्टर वन नेक्स्ट क्लास में, चैप्टर वन। तो गाइज बस आज का वीडियो यहीं तक। आई होप अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।